इसी साल अप्रैल महीने में कुल्लू पुलिस ने 16 करोड़ रुपए कीमत की 160 किलो चरस आग के हवाले कर दी थी। कुल्लू की चरस पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए प्रति किलो है। आज एक बार फिर कुल्लू पुलिस ने 32 मामलों में बरामद की गई 23 किलो से ज्यादा चरस आग के हवाले कर दी। ये 32 मामले सिर्फ जिला कुल्लू के हैं, जिसमें मनाली पुलिस स्टेशन के 17 और पतलीकूहल पुलिस स्टेशन के 15 मामले शामिल हैं। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा की मौजूदगी में चरस को आग के हवाले किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत 10 लाख रुपए प्रति किलो है। 32 मामलों में 23 किलो से ज्यादा चरस नष्ट की गई, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए की चरस आग के हवाले की गई। बाकी आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी चरस पकड़ी गई और ना जाने कितनी चरस बेची गई होगी। आज हमने यहाँ पे जो हमारे कुल जो 32 केसेस 32 केसेस की केस प्रॉपर्टी को जो NDPS एक्ट में हमने जब्त किया था, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और इसमें से जो हमारे 17 केस है वो मनाली पुलिस स्टेशन के हैं और 15 केसेस जो है वो पतलीकूहल पुलिस स्टेशन के हैं। तो टोटल 32 केसेस में की ये केस प्रॉपर्टीज़ का वेट है 23 किलो और 260 ग्राम चरस, इसको आज यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है। हमारा प्रयास है कि जो भी इस तरह के कारोबार में संलिप्त रहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस वर्ष भी पुलिस ने लगभग 250 के करीब जो लोग हैं उनको NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हमारे सभी तरह के केसेस हैं। वो चिट्टा के केसेस भी हैं, चरस के केसेस भी हैं और दूसरे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनके केसेस इसमें शामिल हैं। और ये अभियान जो है आगे भी पुलिस का जारी रहेगा।